ये क्या हो रहा है, मेरा ब्रेस्ट कैसे हो गए, मेरी बॉडी शेप कैसे हो गई, मुझे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, मुझे इतनी क्रेविंग्स क्यों हो रही हैं. सो दैट वॉज अ चैलेंज आई थिंक. बट इन द एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सो व्हेन यू बिकम अ मदर, मातृत्व ना सबसे सुंदर अनुभव है इस वर्ल्ड का, आई वुड से. अगर किसी को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल उनकी हिस्ट्री है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है उनके साथ, तो क्या वो इफेक्ट कर सकती है प्रेगनेंसी को? डेफिनेटली येस. जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर ब्लड प्रेशर आपको रहता है या आपको डायबिटीज़ रहता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपको कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, लाइक प्री एक्लैम्सिया या IUGR, जिसमें बच्चे का वजन कम रहता है, बच्चे की बढ़त ठीक नहीं हो पाती, या GDM, जेस्टेशनल इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस. ओके. और मैम, कौन कौन से अवेलेबल चाइल्ड बर्थ ऑप्शन अभी हैं? अवेलेबल बहुत सारे हैं. सबसे पहले तो आई एम एडवोकेटर फॉर नॉर्मल डिलीवरी. आपको नॉर्मल डिलीवरी से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए. जस्ट रिमूव ऑल द मिथ्स कंसर्निंग नॉर्मल डिलीवरी बिफोर यू गो इन फॉर लेबर. सेकेंडली, हम लोग एपिड्यूरल भी देते हैं, जिसमें लेडी को पेन्स नहीं आते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाती कि पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है. इट्स काइंड ऑफ अ एनेस्थीजिया, लोकल एनेस्थीजिया, एंड इट हेल्प्स इन द नॉर्मल डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड. थर्डली, यू कैन ऑलवेज ऑफर सिजेरियन सेक्शन. एंड कौन सा बेस्ट रहता है? अगेन, आई एम एडवोकेटिंग नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिलीवरी, बिकॉज दैट्स द नेचुरल फॉर्म. अभी से नहीं, सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऑल फीमेल्स हैव बीन डिलीवरिंग बाय दिस. एंड मैम, ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें, तो हाउ बेनिफिशियल दैट इज? ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड द मोस्ट असेंशियल फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. ऑल पीडियाट्रिशियंस दीज डेज एडवाइस कि फर्स्ट 6 मंथ्स तक आप कुछ नहीं देंगे बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देंगे, ना शहद चटाएंगे, ना घुट्टी देंगे, ना पानी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे. कोई काउज मिल्क नहीं देंगे, गाय का दूध, बफलो का दूध कुछ नहीं देंगे, सिर्फ माँ का दूध देंगे, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और माँ का दूध हम ह्यूमंस के लिए बेस्ट है. एंड मैम, कहते हैं कि जो वीमेन जिनका फर्स्ट चाइल्ड होता है, तो जो येलो मिल्क आता है वो नहीं पिलाना चाहिए. कोई कहते हैं कि पिलाना चाहिए, तो दिस इज अ मिथ. आप डेफिनेटली, वो मोस्ट प्रोटीनेशियस होता है और मोस्ट असेंशियल होता है. उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, जिससे बच्चे की किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है. तो वो बहुत असेंशियल है बच्चे के लिए. एंड मैम, ऐसे कुछ सपोर्ट रिसोर्सेज हैं जो इस टाइम अवेलेबल होते हैं न्यू मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग में, जो हेल्प कर सकें? सपोर्ट रिसोर्सेज बहुत हैं. ब्रेस्ट पम्प्स हैं, कुछ मेडिसिंस हैं, कुछ डाइट हैं, स्पेशल फूड्स हैं जो हम रेकमेंड करते हैं, जिससे कि आपको अच्छा ब्रेस्ट उत्पन्न हो. ओके मैम, तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो हमारे पास आए थे प्रेगनेंसी को लेके. अभी आपसे एक दो क्वेश्चन करूंगी आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में. Right. तो आप जब प्रेग्नेंट थे, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा चैलेंजिंग फेज आपका रहा कि क्या हो रहा है, ये ऐसा हुआ? चैलेंजिंग फेज में देखिए, बहुत बॉडी चेंजेस आते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं. मी डिस्पाइट बींग अ डॉक्टर, आई वॉज वेल अवेयर कि ये चीज़ें होती हैं, बट स्टिल I had to fight them. कि ये क्या हो रहा है, मेरा ब्रेस्ट कैसे हो गए, मेरी बॉडी शेप कैसे हो गई, मुझे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, मुझे इतनी क्रेविंग्स क्यों हो रही हैं. सो दैट वॉज अ चैलेंज आई थिंक. बट इन द एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सो व्हेन यू बिकम अ मदर, मातृत्व ना सबसे सुंदर अनुभव है इस वर्ल्ड का, आई वुड से. ओके. एंड मैम, कोई ऐसा आपको अटपटी एडवाइस मिली हो प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको लगा हो कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, एक्चुअली हम लोग डॉक्टर्स हैं, आई वॉज मैरिड इन अ डॉक्टर फैमिली, तो सभी कुछ हमें अच्छा लगता था. बस ये है कि जब कुछ लेडीज़ थी, जैसे आती थी ग्रैंड मदर वगैरह, तो कहती थी ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो मुझे थोड़ा अटपटा लगता था. भाई, हम तो वी शुड बी अलाउड टू ईट एवरी थिंग एक्सेप्ट फॉर जो डोंट्स हैं, जो मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ. ओके ओके. एंड मैम, जो अदर डॉक्टर्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो बेबी डिलीवर करने वाली है, उनके लिए अगर कोई एडवाइस हो तो मैम, प्लीज़. डॉक्टर्स के लिए मैं यही कहूँगी, बी एक्टिव, लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड आप अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करिए, बिकॉज दे नीड यू मोर. सो दैट इज इट. Thank you so much, ma'am, again for your time, for your valuable feedback and suggestions. Thank you so much.